आखिर सर्दी के मौसम में हमारे मुंह से भाप क्यों निकलने लगती है? मैसी की इमेज को नोटों पर क्यों प्रिंट किया जा रहा है? क्यों ये कैदी जेल से भागकर वापस जेल आ गया? कारण जानकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। और क्या समुद्र के अंदर सोना मौजूद है? जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और आप बस इतना ही कहोगे, मजा आया। नंबर 10, गाइस आप इन्हें देखो, इनकी नाक दुनिया में अब तक की सबसे लंबी नाक है। इनके नाक की लंबाई 7.5 इंच यानी लगभग 19 सेंटीमीटर थी। इनका नाम थॉमस वेडहाउस है, जो कि एक सर्कस परफॉर्मर थे और इनका जन्म 18th सेंचुरी में हुआ था। नंबर 14, गाइस क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी पनीर डंकीज के मिल्क से बनाई जाती है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस पनीर को प्यूल कहा जाता है और इसे बालकन डंकीज के मिल्क से बनाया जाता है और 1 kg प्यूल की कीमत $1300 यानी लगभग 1,07,000 रुपए है और इसे सिर्फ सर्बिया के जसाविका नेचर रिजर्व में ही बनाया जाता है। 1 kg पनीर बनाने के लिए 25 लीटर बालकन डंकीज के मिल्क की जरूरत होती है और गाइस हम डंकीज को बेकार समझते हैं। नंबर 13, चीन में अगर कोई इंसान डूब रहा होता है तो उसे बचाना इल्लीगल माना जाता है। वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई इंसान पानी में डूबता है तो वो उसके भाग्य में लिखा होता है और किसी भी इंसान के भाग्य को नहीं बदला जा सकता। इस वजह से चीन में कोई भी किसी डूबते इंसान को नहीं बचाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नंबर 12, गाइस क्या आपको पता है कि समुद्र के अंदर सोना मौजूद है? पर ये कहना मुश्किल है कि समुद्र के अंदर कितना सोना है। और अगर आप इसे बाहर निकालकर अमीर बनने की सोच रहे हैं तो आप ये जान लो कि समुद्र का सोना काफी पतला है और इसकी डेंसिटी बहुत ही कम है। मतलब सिर्फ 1 ग्राम सोना आपको 100 मिलियन मीट्रिक टन समुद्र के पानी में से कलेक्ट करना पड़ेगा, जो आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे गाइस आपको वीडियो देखने में मजा आ ही रहा है तो फिर 1 सेकंड निकाल कर वीडियो को लाइक भी कर दो और ऐसे ही कमाल के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। नंबर 11, अगर आप एक गर्ल, लेडी या वोमेन हो और आपको हाई हील्स पहनना बहुत ही ज्यादा पसंद है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। पहले तो आप इस एक्सरे इमेज को देखो कि हाई हील्स पहनने से आपके बोन्स पर क्या असर पड़ता है। इस तरह के हील्स लगातार पहनने से आपके जॉइंट्स पर स्ट्रेस पड़ता है और आपको अर्थराइटिस भी हो सकती है। इसी के साथ आपके पैर को समय के साथ काफी प्रॉब्लम सहनी पड़ सकती है, जैसे कि हेमरटोज, बनियंस, क्लॉसेस या इनग्रोन टोनेल्स। तो अब आप ही बताओ कि आपको हाई हील्स पहनना है या नहीं। नंबर 10, गाइस आपने काफी अजीबोगरीब चोर देखे होंगे पर इस चोर ने तो कुछ गजब ही कर दिया। बिहार में चोरों ने पूरा का पूरा मोबाइल टावर ही चुरा लिया। बिहार के पटना में चोर मोबाइल कंपनी के ऑफिसर्स बनकर आए और उसने लोगों से कहा कि इस टावर की वजह से कंपनी को काफी नुकसान हो रहा है, इसलिए इसे हटाया जाएगा। और उसके बाद 3 दिनों तक 25 लोगों ने मिलकर गैस कटर मशीन की हेल्प से टावर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और फिर उसे ट्रक में भर दिया और लेकर चले गए। इस टावर की कीमत लगभग 19 लाख रुपए थी। नंबर 9, गाइस क्या आप भी सोते वक्त कोई सपना देखते हैं और सुबह उठते ही उस सपने के बारे में भूल जाते हैं? तो गाइस अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जापान के साइंटिस्ट ने सपनों को रिकॉर्ड करने की एक ट्रिक ढूंढ निकाली है। इसमें आपके ड्रीम को MRI स्कैनर यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर से रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और आप इसे एक वीडियो क्लिप के रूप में देख पाओगे। वाओ। नंबर 8, जनवरी 2014 में रॉबर्ट विक नाम का एक कैदी लॉस एंजलिस के एक जेल से भाग गया, लेकिन बाहर ठंड इतनी ज्यादा थी कि उससे वो सहन नहीं हो पा रहा था। टेम्परेचर लगभग -18 डिग्री सेल्सियस था। ठंड से कांपते हुए वो एक मोटल के पास गया और ऑनर से पुलिस को बुलाने को कहा और पुलिस के आते ही उसने खुद को अरेस्ट करवा लिया। नंबर 7, गाइस क्या आपने कभी भेड़ चाल मुहावरे के बारे में सुना है, जिसका मतलब होता है बिना सोचे समझे किसी की हूबहू नकल करना? पर ये मुहावरा आया कहाँ से? तो गाइस आप इस इमेज को देखो, इसमें आपको कई सारी भेड़ दिख रही होंगी, लेकिन कमाल की बात ये है कि यहाँ कोई फेंस नहीं है, बस एक गेट है और सारी भेड़ एकदम लाइन बनाकर सिर्फ इसी गेट से बाहर निकल रही है, क्योंकि उसके आगे वाला भेड़ भी इसी तरफ से बाहर गया है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि भेड़ चाल मुहावरा असल में कहाँ से और कैसे आया। नंबर 6, 2010 में टोक्यो गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी उनके शहर के सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति को बधाई देने पहुंचे, जिनका नाम सोगेन काटो था। उनकी उम्र 111 साल की थी और उस दिन उनका जन्मदिन भी था, पर वो जब उनके घर पहुंचे तो उसके बेड पर एक कंकाल लेटा हुआ था। वो आदमी 30 साल पहले ही मर चुका था, लेकिन उसके परिवार वाले अभी तक उसके नाम से पेंशन ले रहे थे। इन 30 सालों में वो लोग लगभग 9.5 मिलियन येन यानी लगभग अभी के 97 लाख रुपीस ले चुके थे। गजब टूबी आजाद। नंबर 5, गाइस आप ये देखो, ये एक रेस्टोरेंट का खाना है।
ताइवान में मॉडर्न टॉयलेट नाम का एक रेस्टोरेंट है और इसका थीम पूरी तरह से टॉयलेट बेस्ड है। इस रेस्टोरेंट में खाना टॉयलेट में परोसा जाता है, बर्तन तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ जो फूड है उसे भी कुछ इस तरीके से परोसा जाता है जिसे देखने के बाद खाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो गाइस क्या आप इस रेस्टोरेंट में कभी जाना चाहोगे, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4, ईयर 2000 में चीन के फुकेंग के पास एक मेट्रोइड खोजा गया था और इसलिए इसका नाम फुकेंग मेट्रोइड रखा गया। उस वक्त इसका वजन करीब 1003 kg था और ये अब तक का सबसे फेमस और एक्सपेंसिव मेट्रोइड है। ये मेट्रोइड करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है, उतना ही पुराना जितना हमारा सोलर सिस्टम है। काफी बड़ा होने की वजह से मेट्रोइड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अलग अलग देशों में इसका ऑक्शन कर दिया गया या इसे बांट दिया गया। इसका एक टुकड़ा यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में भी रखा गया है। नंबर 3, जापान में एक होटल है जिसका नाम निशियामा ओनसेन केनकन है और ये होटल दुनिया की सबसे पुरानी रनिंग होटल है। इस होटल को 705 एडी में बनाया गया था और तब से लेकर आज तक ये होटल चलता ही आ रहा है। इस होटल को एक ही फैमिली के 52 जनरेशन ने 1300 इयर्स तक ऑपरेट किया है। इसे गिनीज बुक में दुनिया के सबसे पुराने लगातार चलने वाले होटल के रूप में दर्ज भी किया गया है। नंबर 2, गाइस फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में मेसी ने 2 गोल किए थे और अपनी टीम अर्जेंटीना को 36 इयर्स के बाद वर्ल्ड कप जिताया था। इसी मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए अर्जेंटीना की सेंट्रल गवर्नमेंट लियोनेल मेसी की इमेज को अर्जेंटीना के करेंसी पर प्रिंट करना चाहती है और इसके लिए 100 पेसो को सिलेक्ट किया गया है। अब ये पूरी तरह से सच है या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है, पर अगर ऐसा किया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। नंबर 1, गाइस सर्दी का मौसम आते ही सांस छोड़ते वक्त हमारे मुंह से भाप निकलना शुरू हो जाता है, पर कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है और ये सिर्फ ठंड के मौसम में ही क्यों होता है? दरअसल दोस्तों हमारे बॉडी का एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और सर्दी के मौसम में बाहर का टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। सांस छोड़ते वक्त हमारे मुंह या नाक से CO2 के साथ साथ थोड़ी नमी या वाटर ड्रॉपलेट्स भी निकलते हैं और कम टेम्परेचर में आने की वजह से वो कंडेंस्ड हो जाते हैं और हमें भाप के रूप में दिखाई देने लगते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि सर्दी के मौसम में भी जब तेज धूप निकल जाती है तो ये भाप हमें नहीं दिखाई देते क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और मुंह से निकलने वाली नमी कंडेंस्ड नहीं हो पाती। इसी वजह से समर सीजन में भी हमें ये भाप नहीं दिखते।